हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। जैसा कि आपको पता है, टैली का नया वर्जन आ रहा है, टैली प्राइम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैली प्राइम का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या फीचर आ रहे हैं, किस तरह से टैली प्राइम वर्क करेगा, किस टाइप से, और इसका सेटअप भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आज हम इसमें जीएसटी का पूरा काम सीखेंगे कि टैली प्राइम में हम जीएसटी को किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह से प्रोसेस होगा, तो आज वो पूरा सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम टैली प्राइम में आते हैं, हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिस कंपनी में हमें जीएसटी का काम करना है, तो कंपनी का नाम मैंने रख दिया सिद्धि विनायक एंटरप्राइजेस। कहां पर है? दिल्ली में रजिस्टर्ड है। बाकी कंपनी बनाना मैंने लास्ट वीडियो बना दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको कंपनी क्रिएट होगी तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इनेबल जीएसटी। आपको ये ऑप्शन यस कर देना है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, रेगुलर है या कंपोजिशन है, ठीक है। तो वो आप जीएसटी के साइट पे चेक कर सकते हो कि आप किस टाइप का डीलर हो, कंपोजिशन हो या रेगुलर हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जीएसटी अप्लीकेबल यस। जीएसटी का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा अपना, तो मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, मंथली जाती है आपकी जीएसटी R1 या क्वार्टरली, वो आपको सिलेक्ट करना है। ई वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ पर ये सेम छोड़ देना है और इसको आपको यस कर लेना है, ठीक है। यस करके इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करते ही ये आपकी इस कंपनी में जीएसटी ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करेंगे कि आप किस किस से मेटल खरीदते हो, किसको बेचते हो। तो सबसे पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो मैं लेजर्स पे आता हूँ, लेजर्स क्रिएट, ठीक है। तो पहले हम जीएसटी के लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। परचेज सेल एंड जीएसटी, तो पहला लेजर जो इम्पोर्टेंट लेजर है वो है परचेज अकाउंट का। किसके अंडर आता है परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट में ही आता है। यहाँ पर पूछेगा टाइप ऑफ लेजर, डिस्काउंट, इनवॉइस राउंडिंग, नॉट एप्लीकेबल रखना है आपको। यहाँ पूछेगा इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा आपका, तो यस जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये आपको नो ही रखनी है, ठीक है। सर्विस है, गुड्स है, तो हमारी गुड्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको यस कर देना। उसके बाद बनाना है आपको सेल्स अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पर भी सेम जिस तरह से परचेज का बनाया है ऐसी हम सेल का बनाएंगे। अब पहला जो लेजर बनेगा वो बनेगा SGST, ठीक है। ये किसके अंडर आएगा? गुड्स एंड टैक्सेस। SGST क्या होता है? स्टेट जीएसटी, ठीक है। गुड्स एंड टैक्स जीएसटी, स्टेट टैक्स, ठीक है। और इसको उसके बाद CGST, सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड टैक्सेस जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स, ठीक है। उसके बाद बनेगा IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। अगर आपको जीएसटी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो मैंने पूरी जीएसटी की इंट्रोडक्शन, क्या होता है जीएसटी, किस तरह से लगता है, वो मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट टैली के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो ये हमारे परचेज सेल और जीएसटी के लेजर प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हमें बनाना है पार्टी का कि आपकी कौन कौन सी पार्टी है। तो हमारी जो पार्टी है, हमारी सपोज दो पार्टी, एक सैमसंग है और एक एप्पल है। हम क्या करते हैं, लाइक मोबाइल्स में डीलिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, तो हमारा सैमसंग और एप्पल से माल खरीदते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया सैमसंग इंडिया लिमिटेड, ठीक है। किसके अंदर आएगा? सेंट्री क्रेडिटर, इससे माल खरीदते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, बिल वाइज डिटेल आपको मेंटेन रखनी है, यस,
ठीक है, एड्रेस कहाँ पर है वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, दिल्ली में है कहाँ पर है। तो हमने कहा सैमसंग इंडिया हमारा दिल्ली में ही है, पिन कोड ठीक है कुछ भी डाल देंगे हम। क्या पूछेगा रेगुलर डीलर है, यस रेगुलर है। इसका जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर सैमसंग का ये डाल दो, यहाँ पर दिल्ली की जगह इसको क्या करते हैं, इसको उत्तर प्रदेश कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि तो हमारा जो जीएसटी का नंबर है वो उत्तर प्रदेश का ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट, दूसरी पार्टी क्या है हमारी एप्पल ठीक है, तो एप्पल इंडिया लिमिटेड ठीक है, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसका जीएसटी नंबर ठीक है, तो अभी हमने परचेज के लेजर और पार्टी के लेजर प्रिपेयर कर लिया। सबसे पहले हमें लेजर्स बनाने हैं, देन अब हमें बनाने हैं स्टॉक्स। अगर आप अपनी कंपनी में स्टॉक भी मेंटेन करते हो कि कितना मेटल आया कितना गया किस टाइप के कितने मेटल है, वो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा स्टॉक। तो स्टॉक बनाने के लिए हमें स्टॉक आइटम, देखिए इन्वेंटरी मास्टर है यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट में ही आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अकाउंटिंग मास्टर यहाँ से प्रिपेयर होंगे, इन्वेंटरी मास्टर यहाँ से प्रिपेयर होंगे। तो हम पहले स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप से हमें क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे क्या है मोबाइल से ठीक है, प्राइमरी स्टॉक ग्रुप ठीक है, इसको यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अब अगर मैं इस ग्रुप में यहाँ पर जीएसटी की डिटेल सेट कर दूंगा तो मुझे इंडिविजुअल आइटम में अलग अलग जगह जीएसटी की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, इसी ग्रुप में जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो सारी आइटम्स में एप्लीकेबल होगा। तो मैं यहीं पर ही यस कर देता हूँ इस वाले ग्रुप में। तो एचएसएन कोड मोबाइल का आप निकाल लेना जो भी होगा, मैं अभी ऐसी डेमो डाल रहा हूँ ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन आएगा मोबाइल्स ठीक है, एचएसएन कोड जो भी होगा वो डाल दूंगा ठीक है। यहाँ पर पूछेगा टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है। अगर ये आपके पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है F12 का, इन ऑप्शन को आप यस कर लेना ठीक है। ये अब कितने परसेंट लेगा, हमने कहा 18% ठीक है। तो मोबाइल को हमने सेट कर दिया इस ग्रुप पे। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो हमें अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। अब स्टॉक ग्रुप में हमने एक जगह हमने बना दिया क्या मोबाइल का, अब इसमें इंडिविजुअल हम मोबाइल की कंपनी वाइज भी बना सकते हैं ठीक है। सैमसंग, सैमसंग क्या है मोबाइल ही है ठीक है, जीएसटी डिटेल तो हमने मोबाइल में डाल दिया, दुबई में डालेंगे। उसके बाद एप्पल ठीक है, तो हमने क्या करा है स्टॉक ग्रुप में एक मेल मोबाइल सेट बनाया, उसके अंडर हमने क्या बना दिए अलग अलग कंपनीज के बना दिए। सैमसंग मैंने दो ही बनाया, सैमसंग एप्पल, अब आगे भी बना सकते हो वीवो व्हाटएवर ठीक है। अब बनानी हमें स्टॉक आइटम्स ठीक है, स्टॉक आइटम्स में हमने पहला फोन बनाया एप्पल आईफोन 12 64 GB, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। अभी किस कंपनी का आ रहा है एप्पल का ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है यूनिट, किस यूनिट में मेजर करते हो, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आपने नहीं बनाई तो हमने बना दिया नोज में ठीक है। नोज क्या हमारा नंबर ठीक है, नोज नंबर। अगर जीएसटी अप्लीकेबल, यस यहाँ पर अब आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप तो देखिए ग्रुप बनाने से हमें फायदा क्यों हुआ, अब हमें इंडिविजुअल डालने की जरूरत नहीं है, हमने इस ग्रुप पे सेट कर रखा है ठीक है। एंटर, तो हमें एक प्रोडक्ट एप्पल का बना लिया, एक बना रहे हैं हम सैमसंग का, सैमसंग S20, सैमसंग S20
128 GB, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमने बना लिया सैमसंग का नोट, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो दो प्रोडक्ट हमने बनाए, अब हमें क्या करना है, इनको परचेज करना है। तो परचेज के लिए हमारे पास जो वाउचर होता है वो F9 होता है। देखिए ये वाउचर है हमारा, अब इसमें क्या है, यहाँ पर मोड्स है, देखिए चेंज मोड्स, आइटम इनवॉइस अकाउंटिंग एज ए वाउचर, ठीक है। तो आइटम वाउचर ये है ही हमारा, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है। अगर आपको इसका मोड चेंज करना है अकाउंटिंग इनवॉइस पे करना है, अगर आप गुड्स नहीं सेल करते हो, सर्विसेज का काम है आपका, तो यहाँ पर ये वाला मोड हो जाएगा, ठीक है। एज ए वाउचर करना चाहते हो तो इसको एज ए वाउचर, तो यहाँ से आप मोड्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सबसे पहले तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, एप्पल 001, ठीक है। डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, वो हम डाल देंगे। अब पूछा पार्टी नेम किससे हमने खरीदा, तो हमने एप्पल इंडिया लिमिटेड से खरीदा है, यहाँ पर इसका रिसीप्ट नंबर कुछ हो तो आप यहाँ डाल दें, ठीक है। तो ये चीज वहीं से हमारे लेजर से खर्च कर ली है इसने, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हमने खरीदा इससे, आईफोन 12 GB हमने इससे सपोज 15 सेट खरीदे, कितने के रेट से, 60,000, ठीक है। अब एप्पल इंडिया कहाँ है हमारा, दिल्ली से है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, CGST और SGST एंड CGST, हो गया, ठीक है। ई वे बिल अगर आया है तो वो आप डिटेल डाल सकते हो, अदरवाइज सीधा। अब देखिए जो हमने एक ऑप्शन यस किया था मेंटेन बिल बाय बिल, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, तो आप मेंटेन कर सकते हो बिल को। न्यू रेफरेंस का मतलब नया बिल, न्यू बिल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। कितने दिन की पेमेंट क्रेडिट डेज है, 30 डेज, ठीक है। एंटर एंटर। तो पहला बिल हमारा बन चुका है, अब हम बनाते हैं दूसरा बिल। सैमसंग से भी खरीदा, ठीक है। परचेज किया, क्या खरीदा इस समय, सैमसंग 20, कितने सेट परचेज किया हमने, सपोज 10 सेट, ठीक है, कितने के रेट से, 12,000। अब इस पे क्या लगेगा, ये हमारी यूपी की है तो IGST लगेगा, क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो वाउचर से ही। यहाँ पर एक देखिए गो टू का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट GST रिपोर्ट्स में जा सकते हो, आ गया GSTR 1, 2, 3, ठीक है। और अब बाहर से जाना है तो आप डिस्प्ले रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, अब यहाँ से GSTR 1 में भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कोई अभी सेल नहीं करी है, हमने ओनली परचेज करी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया B2B इनवॉइस, दो इनवॉइस है, कितने के, टोटल 14 लाख के, टैक्स कितना है हमारा, जो हमारा ATC है एप्लीकेबल, मुझे दिखा। तो GSTR 2 में हमारी B2B इनवॉइस दिखा रहा है, दोनों इनवॉइस, ठीक है, उनके साथ उनका टैक्स दिखा रहा है। इस पर आप एंटर करोगे तो बिल भी दिखाएगा कि किस किस पार्टी के आपने बिल रेज किए हैं, ठीक है। तो ये टोटल ITCA है, 1,62,000 आपने पे किया है एंड 90,000 सैमसंग के लिए, और 1,62,000 हमने एप्पल इंडिया के लिए, ठीक है। GSTR 3 भी देखेंगे, टोटल समरी, तो यहाँ पर चेंज व्यू पर क्लिक करके नेचर वाइज पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकल परचेज एंड इंटर स्टेट परचेज दोनों दिखा रहा है। लोकल परचेज हमने 9 लाख की करी थी, जिसपे 1,62,000 रुपए टैक्स था, तो चेंज व्यू में हमारा जो टोटल दिखा रहा है ये 9 लाख की 1,62,000, और इंटरेस्ट स्टेट हमारी दिखा रहा है 5,90,000 रुपए की हमने टोटल IGST पे करी है। तो टोटल हमने जो मटेरियल खरीदा है वो 14 लाख रुपीज का खरीदा है, जिसमें टोटल टैक्स हमने पे किया है 2,52,000 रुपीज, ठीक है। तो
आप यहाँ से चेंज व्यू में जाएंगे तो अब ये फॉर्मेट वाइज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल आईटीसी कितना दिखा रहा है, एलिजिबल आईटीसी दो इनवॉइस आ रहे हैं इसमें, और टोटल आईटीसी कितना दिखा रहा है 2,52,000 रुपए, ठीक है। इस पर हम एंटर करते हैं और एंटर, और यहाँ पर आके और अदर आईटीसी इस पर हम एंटर कर देंगे तो ये टोटल बिल दिखा देगा कि कितना आईटीसी टोटल आपका टैक्स अवेलेबल है, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा परचेज कार्ड, ठीक है। अब मैं आपको रिटर्न का एंट्री दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो हमारी कोई रिटर्न की एंट्री नहीं है, सपोज आपका कुछ मटेरियल रिटर्न हुआ है, ठीक है, तो अब मैं आपको परचेज रिटर्न की एंट्री दिखाता हूँ। तो डेबिट नोट पे आने के लिए हमारी को यहाँ पर पेमेंट पे आप यहाँ देखिए छोटा सा एरो आ रहा है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको डेबिट नोट, ठीक है, ऑल्ट F5, और एप्स रिसीव पर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऑल्ट F6 क्रेडिट नोट। तो परचेज रिटर्न की एंट्री है तो हमारी किस पे होगी, डेबिट नोट पे होगी, ठीक है। डेबिट नोट पे आ गए, यहाँ पर चेंज मोड का ऑप्शन है आपको आइटम वाइज, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि तो हमारे को आइटम वाइज लेना है, आइटम रिटर्न करनी है। तो सपोज मुझे एप्पल प्रोडक्ट रिटर्न करना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमारा था एप्पल, तो परचेज का लेकर आ जाएगा क्या हमें रिटर्न करना है, एक हमने रिटर्न कर दिया CGST एंड SGST, ठीक है। देखिए ये था हमारा बिल नंबर, इसके अगेंस्ट हमारा एक डेबिट नोट इश्यू हो चुका है, ठीक है। एक फोन हमारा खराब था तो हमने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब हम चेक करते हैं रिपोर्ट, डिस्प्ले GST रिपोर्ट, ठीक है, GSTR2। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट की एंट्री आ चुकी है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की 60,000 रुपए की, देखिए माइनस हो गया। और देखिए यहाँ पर टैक्स भी कम हो गया हमारा। अब GSTR3 भी में देखते हैं, ये देखिए अभी 2,51,000 समथिंग आ रहा था, और देखिए टैक्स कम होके कितना रह गया, 90,000। यहाँ पर देखिए जो टोटल आप यहाँ देख रहे हैं 90,000 75,600 75,600, टोटल जो हमारा टैक्स क्रेडिट है 2,41,200 है जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न डाल सकते हैं। अब मैं आपको सेल्स की ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेल्स की ट्रांजेक्शन आप दो टाइप से कर सकते हो, पहले मैं आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ। अगर नॉर्मल आपका, अगर आप सेल की ट्रांजेक्शन करते हो तो कैसे करते हो, सपोज मैं एक कैश में सेल कर रहा हूं, ठीक है, कंज्यूमर को, ठीक है, सेल्स कर रहा हूं। क्या बेचा हमने, दो फोन एप्पल के बेच दिए, और सॉरी एक एक फोन एप्पल का बेच दिया, और एक हमने उसको एक सैमसंग का, ठीक है। तो इस पे SGST एंड CGST, ठीक है, आ गया। तो टोटल हमारा तो ये हमने बेच दिया, ठीक है। अब देखिए सेल कर दिया हमने, एक सेल हो गई हमारी। ये तो था सिंपल वे में, अगर आप नॉर्मल से सेल्स वाउचर से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारा काम ऑटोमेटिक करना, ठीक है, और आप चाहते हो इनवॉइस नंबर भी मेरे अकॉर्डिंग आए, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी एक वाउचर, ठीक है। तो क्रिएट में आके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वाउचर टाइप, यहाँ पर एक बनाया टैक्स इनवॉइस, हमने एक वाउचर टाइप क्रिएट कर लिया अलग से। जो हमारे वाउचर टाइप है ये तो है ही, हम अलग से एक वाउचर टाइप बना रहे हैं बट इनके अंडर ही बनेगा। तो सेल किसके अंडर होती है, सेल्स में, तो सेल्स के अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा वाउचर नंबरिंग, जो लेना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली लेना चाहते हो, ऑटोमेटिकली मैनुअल, और
मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल मल्टी यूजर ऑटो, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में हम इसको यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। ये ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आप चाहते हो कि बिल नंबर हमारे अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर किससे हो, हमने कहा वन से हो। विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, तो हमने कहा हमारे जो विड्थ हो वो 50 डिजिट्स की हो, ठीक है। 5 डिजिट्स में नंबर आना चाहिए, ठीक है। ईयरली हमने रखा, ईयरली बेस पर रहेगा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले क्या आएगा इससे, तो हमने कहा पहले हमारी कंपनी का अकॉर्डिंग आएगा SVE, ठीक है, SVE 2021, ठीक है। देन आएगा हमारा इनवॉइस नंबर। सफिक्स कुछ है तो वो आप यहां डाल सकते हो, वो इसके पीछे आएगा, तो हमने सफिक्स नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल इस तरह से छोड़ देता हूं, ठीक है, पहले मैंने अभी नॉर्मल आपको दिखा रहा हूं पहले, ठीक है। वाउचर्स पे आते हैं, जब हम सेल्स वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा सेल्स है टैक्स इनवॉइस, देखिए दो पूछ रहा है, तो हमने कहा टैक्स इनवॉइस। देखिए तो मैंने आपसे कहा था क्या रहा SVE 21, ठीक है, तो पहला इनवॉइस 1 आ रहा है। तो आपने एक चीज नोट करी, यहां पर SVE 2021 और यहां ब्लैंक आ रहा है, यहां 1 आ रहा है। हम चाहते हैं ब्लैंक ना आए, यहां 0 आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अल्टर में आओगे, यहां पर अल्टर में वाउचर टाइप यहां पर से सिलेक्ट करोगे टैक्स इनवॉइस, ठीक है। टैक्स इनवॉइस पे यहां पर यस करेंगे, और यहां पर एक ऑप्शन है प्रीफिल विद 0, इसको हम यस कर देंगे, बाकी को सेव कर देंगे। अब देखते हैं, वाउचर में आ गए, ठीक है। अब देखिए अब क्या रहा है, SVE 0001, क्योंकि हमने वहां पर कितने डिजिट लिया है, 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स में नंबर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने बिल बुक के अकॉर्डिंग भी यहां पर नंबर जनरेट कर सकते हो। अब यहां मैं चाहता हूं CGST IGST ऑटोमेटिकली है, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको अल्टर में जाके वाउचर टाइप में टैक्स इनवॉइस, यहां पर हम क्या करते हैं, दो क्लास बना लेते हैं, ठीक है, एक बना लेते हैं हम लोकल सेल्स और एक बना लेते हैं। तो हम पहली क्लास क्या बना रहे हैं, लोकल सेल्स। लोकल सेल्स मतलब जो हम इंटरस्टेट, जैसे दिल्ली में रजिस्टर्ड है, दिल्ली वैली में करेंगे। तो यहाँ एक्सक्लूडिंग ग्रुप को हम छोड़ देते हैं, हम इंक्लूड कर लेते हैं, हम कैश में बेचेंगे एंड डेटर, ठीक है, और बैंक, तीन चीज हमने ऐड कर ली। बैंक से बेच सकते हैं, डेटर को बेच सकते हैं और कैश को, ठीक है। अब सेल्स तो सेल्स अकाउंट के अंडर आएगा, यहां पर क्या लेना चाहते हैं, लोकल सेल्स में क्या क्या लगता है, SGST और CGST। अगर आपका और भी कोई जैसे राउंड ऑफ या फ्रेट व्रेट कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, और एक बना लेता हूं मैं इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है। इंटर स्टेट सेल्स में वही चीजें हम ऐड कर लेंगे, बैंक, कैश इन हैंड एंड संडे डाटा सेल्स में आएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारा IGST, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब वाउचर्स पे आ गए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं एफिट्स क्लिक करूंगा, तो जब हम टैक्स इनवॉइस यहां से सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा लोकल सेल है इंटरस्टेट, तो अगर हमें लोकल सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर क्या लेगा, SGST CGST, और अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं इंटर स्टेट सेल्स तो यहां पर क्या लेगा, IGST, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सेल कर रहे हो, तो मैं इंटर स्टेट सेल करके दिखाता हूं एक आपको, ठीक है। तो हम एक पार्टी बना लेते हैं, लाइक एक पार्टी बना ली, यार्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके अंडर बना ली संडे डेटर, हम को माल बेचते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इनका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जीएसटी नंबर हम यहां से डाल देते हैं,
अब हमने क्या बेचा है इनको, 5 पीस सैमसंग के और वो एप्पल के और 6 पीस सैमसंग के, ठीक है। ठीक है, जीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया। ई वे बिल की डिटेल है तो डाल सकते हैं, देखिए बिल नंबर ऑटोमेटिकली उठा लिया इन्हें, एंटर एंटर एंटर। अब हम अपनी रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है, डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट। अब हमारा जीएसटी आर वन चेक करते हैं, हमारी सेल्स की डिटेल आती है सारी, क्या दिखा रहा है, एक दिखा रहा है, एक में हमारी अनसर्टेन, देखिए यहां पर एरर आ रही है। अब इसमें एरर क्यों आ रही है, एरर आ रही है जीएसटी नंबर की वजह से, कि जीएसटी नंबर गलत है, ठीक है। तो जीएसटी नंबर आपका ठीक होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी। तो मैं जीएसटी नंबर एक ठीक डाल देता हूँ, ठीक है, देखिए एरर थी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ एरर को, यहाँ पर जीएसटी नंबर हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से ठीक हो गया, अब ये किसमें आ गया, बी टू बी में, क्योंकि मैंने पार्टी को सेल किया है तो बी टू बी में आएगा, और स्मॉल में एक सेल हमने स्मॉल में करी है तो वो यहाँ पर आएगी, कैश में जो हमने सेल करी है। तो हमने टोटल 2 सेल यहाँ पर करी है, तो जीएसटी आर 3B में आते हैं, ठीक है, डिटेल में चेंज व्यू में आते हैं, नेचर वाइज में, तो इसमें दिखा देते हैं टोटल हमारी परचेज यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, और सेल हमारी यहाँ दिखा रहा है। तो टोटल हमने सेल कितने ही करी है, 10,05,000 रुपए की, इतना टैक्स हमें मिला है, और हमारा इनपुट क्रेडिट जो है वो है इतना, ठीक है। अब यहाँ से व्यूज चेंज कर लेते हैं, ऑल आईटीसी अवेलेबल, तो हमारा जो आउटवर्ड है वो यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल हो गई, और ये हमारी टोटल क्या हो गई, परचेज हो गई, ठीक है। टोटल हमने इसमें 3 वाउचर करे हैं, ठीक है। तो अगर आपका इसका भी रिटर्न है तो आपको कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिट नोट की, ठीक है, आपको एक क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, अगर आपका सेल्स रिटर्न हो रहा है, जैसे मैंने डेबिट नोट की करी थी, बिल्कुल सेम ही है, उस तरह से आप करोगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको रिटर्न करना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आ रहा है ई रिटर्न, ठीक है। आपको कौन सी फाइल बनानी है, जेएसएन फाइल बनानी है या एक्सेल बनानी है, बनाने के बाद डायरेक्ट इसे आप अपलोड कर सकते हो, या कुछ चेंज ही करनी है तो आप वहां से उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है हमारा जीएसटी का टैली प्राइम में। तो मुझे आशा आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।